चलो आज टॉपिक स्टार्ट करें, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट पार्ट है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में सिंपली जैसे एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसके क्रॉस एक पोटेंशियल या सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्ट कर दिया, तो इसमें जो हीट जनरेट होता बाय द रेजिस्टेंस, इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और इसको जूल हीटिंग कहते हैं। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अप्लाई होता है तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हैं और वो फ्रीक्वेंटली कोलाइड करता है पॉजिटिव मेटल आयंस के साथ। तो उस कंडीशन में जो मेटल आयंस है वो वाइब्रेट करता अबाउट द मीन पोजिशन, जिसके कारण से उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टेप बाय स्टेप कि सिंपली जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं अक्रॉस अ गिवन कंडक्टर और रेसिस्टर, तो V इज इक्वल टू आर आई इसके अक्रॉस सेटअप हो गया। अब ये पोटेंशियल डेवलप जब हो गया इसके अक्रॉस, तो ऑब्वियसली ये इसमें जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होता है। जब एक्सेलरेट होगा तो ये कोलाइड करेगा, इसलिए कहते हैं फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद द पॉजिटिव मेटल्स आयन, विद द पॉजिटिव मेटल्स आयन, जिसके कारण से इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। और हम लोग बेसिकली जानते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के टी। इट मींस एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस कंडीशन में टेम्परेचर कंडक्टर का इंक्रीज कर जाएगा और इसी को हम लोग जूल हीटिंग या सिंपली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। तो बेसिक यही है, रिपीट कर रहे हैं। यहां पर हमने कहा कि जैसे इसके क्रॉस एक सोर्स ऑफ ईएमएफ को कनेक्ट किया, तो उस कंडीशन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें है वो एक्सेलरेट होंगे और वो फ्रिंक फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेगा विद द पॉजिटिव मेटल आयंस। फ्रीक्वेंटली कोलिजन होगा तो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसका इंक्रीज कर जाएगा। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, द कंडक्टर गेट्स हीटेड। और इसी फेनोमेना को, इसी घटना को हम लोग कहते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या सिंपली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब यहां जब हीट हो गया और ये जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो इस कंडीशन में जूल्स हीटिंग का मतलब क्या है? सिंपली वी अप्लाई किया तो जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा उस कंडीशन में, अमाउंट ऑफ वर्क को लिखते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल। ऑब्वियसली पढ़ा है पोटेंशियल में, पोटेंशियल वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ऑब्वियसली वहां पर हम लोगों ने पोटेंशियल एट ए पॉइंट, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज पढ़ा था, तो अमाउंट ऑफ वर्क हो जाएगा पोटेंशियल इंटू चार्ज। अब यहां पर जो चार्ज का फ्लो हुआ इसमें, इसको हम लोग आई इंटू टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर क्यू का वैल्यू क्या पुट कर दिया? आई इंटू टी, ठीक। और यहां पर ये वी आई को वी बाई आर के फॉर्म में लिखते हैं, तो फाइनली क्या बन जाएगा ये? सॉरी, आई के टर्म में लिख दे वी स्क्वायर बाई आर, ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर टी, और दूसरा V की जगह पर I पुट कर दो तो ये I स्क्वायर R स्क्वायर बाई R इंटू टी, इट बिकम्स I स्क्वायर R इंटू टी। और ये जब यूनिट लिखते हैं तो जूल में लिखते हैं, और इस कंडीशन में 4.2 या आप
राउंड ऑफ 4.2 है, अदरवाइज आप इसको 4.18 से डिवाइड कर देंगे तो इस कंडीशन में ये कैलोरी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए अमाउंट ऑफ वर्क जब भी हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी या वी आई टी, तो ये जूल के फॉर्म में और 4.2 से या 4.18 से डिवाइड कर देंगे तो क्या चीज में आएगा, कैलोरी में आएगा। क्लियर। चलिए अब इसी इक्वेशन को हम लोग जूल ऑफ हीटिंग और यही अमाउंट ऑफ वर्क अमाउंट ऑफ हीट में होता है, तो इसको आप दो तरीके से या तीन तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं, एक वी आई टी या आई स्क्वायर आर टी डी और यहां पर एक वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, तीन फॉर्म में इसको लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क को। अब आ जाए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला कहता है लॉ ऑफ करेंट, कहता है कि अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक, तो सिंपली एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। कैसे आया, अभी हम लोगों ने क्या क्या फॉर्म पढ़ा, आई कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो रिप्रेजेंटेशन। अभी हम लोगों ने अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ वर्क क्या लिखा, आई स्क्वायर आर इंटू टी, इसका मतलब अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करेंट प्रोवाइडेड दैट रेजिस्टेंस एंड टाइम आर कॉन्स्टेंट। तब उस कंडीशन में ये करेंट डिपेंडेंट हो गया, इसलिए नाम पड़ गया ये लॉ ऑफ करेंट। इसलिए कहता है कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो मान लो कि किसी वायर में अमाउंट ऑफ हीट एच वन डेवलप हुआ ड्यू टू फ्लो ऑफ करेंट आई वन और दूसरे में अमाउंट ऑफ हीट एच टू और ड्यू टू फ्लो ऑफ करेंट आई टू, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो इस कंडीशन में अमाउंट ऑफ हीट एच वन बाई एच टू रेशियो के फॉर्म में, तो आई वन स्क्वायर बाई आई टू स्क्वायर, लेकिन कंडीशन यही होगा कि टाइम और रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, अब देख लो जितने भी रिलेशन वहां पर आई स्क्वायर आर टी उसी के अकॉर्डिंग लॉ भी बनेगा। ठीक, अब दूसरा लॉ क्या बन गया, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होगा, करेंट और टाइम कांस्टेंट होगा, तो यहां पर अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। ठीक, यहां पर स्क्वायर टर्म है, यहां पर रेजिस्टेंस के फॉर्म है, तो वही फॉर्मूला जो यूज किया है उसी को आप यूज करेंगे आई एक बड़ा, तो अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो यहां पर आई और टी को कांस्टेंट रख देंगे तो अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जिस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा डेवलप करेगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया लॉ ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाए थर्ड पॉइंट, सॉरी ये लॉ ऑफ टाइम हो जाएगा, रेजिस्टेंस नहीं टाइम के फॉर्म में। ठीक, तो अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो अमाउंट ऑफ हीट को इस फॉर्म में लिख देंगे टाइम के डायरेक्टली रिलेटेड, तो उस कंडीशन में करंट और रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहां पर तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉमन टू बोथ डीसी एंड एसी, ये एसी और डीसी दोनों के लिए कॉमन है। तो डीसी डायरेक्ट सप्लाई जो हम लोग 0 to 12 वोल्ट लेते हैं और एसी 0 to 220 वोल्ट। ठीक, ऑल्टरनेटिंग करंट बता रखा, डायरेक्ट करंट का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा, ऑल्टरनेटिंग में क्या होगा मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी करेगा, डायरेक्शन रिवर्स होगा पीरियोडिकली। तो डीसी और एसी दोनों के लिए कॉमन है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, हीटर है, इलेक्ट्रिक प्रेस है, गीजर है, बल्ब है, टोस्टर, ये सब दोनों पे वर्क करेगा।
ये जूल हीटिंग इफेक्ट का मतलब जूल हीटिंग इफेक्ट अप्लीकेबल फॉर बोथ डीसी एंड एसी सर्किट। इसलिए जितने भी लॉ ऑफ करेंट, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ टाइम, ये सारा अप्लीकेबल होगा डीसी एज वेल एज एसी के लिए। ठीक, ये प्रोसेस या ये इफेक्ट जो है इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ करेंट को यदि रिवर्स कर देंगे तो जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए प्रोसेस या इफेक्ट इरिवर्सिबल है। ठीक, अब जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्शन ऑफ करंट से इंडिपेंडेंट होगा। क्यों? करंट क्या है भाई? स्केलर क्वांटिटी है ऑब्वियसली। चले तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आ जाए इलेक्ट्रिक पावर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पावर क्या कहते भाई? अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक, इसलिए कहते हैं रेट एट विच वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। ठीक, अब ये रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को मेजर करता है, इसलिए हम इसको और करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड, डिसिपेटेड का मतलब लॉस होना, इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। दैट इज इलेक्ट्रिक पावर को लिखेंगे वर्क डन बाय टाइम पीरियड या अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम। जितने भी एक्सप्रेशन है, हम लोगों ने तीन एक्सप्रेशन निकाला आज। पहला क्या था? अमाउंट ऑफ वर्क या अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू क्या था? वी स्क्वायर बाई आर टी। दूसरा क्या था भाई? आई स्क्वायर आर टी। तीसरा क्या फॉर्म था? वी आई टी था। तीन फॉर्म थे। अब तीनों फॉर्म में जब हम लोग पावर लिखेंगे तो अमाउंट ऑफ वर्क बाई टाइम पीरियड, टाइम से डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? ये क्वांटिटी क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर। ये वाला क्वांटिटी क्या बन जाएगा? आई स्क्वायर आर। ये क्वांटिटी क्या बनेगा? वी आई बन जाएगा। इसलिए यहां पर इतने फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर, आ गया समझ में? कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को? अब आ जाए, पावर को रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी कह देते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो हीट को हम लोगों ने किस फॉर्म में लिखा? एच के फॉर्म में। तो पावर क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो डी एच बाई डी टी। ठीक, और इसी को हम लोग डी डब्ल्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट जब भी आएगा तो डिफरेंशियल फॉर्म में होगा। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डी एच इज इक्वल टू पी डी टी। अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दो तो डी एच का इंटीग्रेशन एच हो गया और ये हमारा पी डी टी हो जाएगा। और पावर को हम लोग कितने फॉर्म में लिखें? फिर आ जाओ आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर टी, फिर तीसरा फॉर्म वी आई टी। इतने फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर ये इस फॉर्म में आ जाएगा आई स्क्वायर, आई स्क्वायर आर डी टी हो गया। दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर डी टी। तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? वी आई डी टी। इस तरह से हम लोग नेट अमाउंट ऑफ हीट फाइंड कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर में। क्लियर, बहुत इजी है। यस, इसका बेस ऑलरेडी टेंथ में पढ़ा हुआ है, इतना ही था टेंथ में, थोड़ा सा इंटीग्रल फॉर्म नहीं था। अब यहां पर सिंपल पावर लिख देते हैं हम लोग, किस फॉर्म में लिख रहे हैं बोलो? आई इन वी आई के फॉर्म में। ठीक, तो उस कंडीशन में यहां सॉरी आई वी आई के फॉर्म में, एक मिनट
एक मिनट देख लेते हैं क्या कहीं मिस्टेक तो नहीं है। पावर को हम लोगों ने एक फॉर्म वी आई लिखा, ठीक है, और दूसरा फॉर्म क्या था भाई, आई स्क्वायर या वी स्क्वायर बाई आर इन टू टी था। तो टाइम से कैंसिल हो गया था ये टर्म, सॉरी हाँ ये आई स्क्वायर आर हो गया और तीसरा फॉर्म था वी स्क्वायर बाई आर। तो सिंपली यदि एक वाट पावर डेवलप हो रहा है इसका मतलब हम वन वोल्ट से इसको एक्सलरेट कर रहे हैं बाय द फ्लो ऑफ वन एम्पियर करंट। इसका मतलब पावर जब भी हम लोग लिखेंगे तो वी आई तो ये वन वाट हो जाएगा और ये हमारा वन वोल्ट हो जाएगा और ये हमारा वन एम्पियर। तो सिंपली कहता पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज सेड टू बी वन वॉट इफ वन एम्पियर करेंट फ्लोस इन द कंडक्टर अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट। ये सब वन मार्क में क्वेश्चन में आ सकता है, ये सिंपली डिफाइन करने के लिए। और इंजीनियरिंग यूनिट तो जानते ऑलरेडी, 1 HP 1 horsepower 746 watt, ठीक। अब यूनिट SI यूनिट क्या हो गया और वाट कहते हैं, ठीक, 1 HP 746 वाट का है। अब यहां पर ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दोगे। कहता रेटेड वैल्यूज, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से बल्ब है, हीटर है, गीजर है, ठीक है, ये सारे जो प्रिंट होकर के आते हैं उसके ऊपर अप्लायंस के ऊपर क्या क्या लिखा रहता है, कभी देखा है? देखा क्या लिखा रहता है? रेंज लिखा रहता है 220 टू 240 वोल्ट। और यदि आप बल्ब परचेस करके लाते हो तो 60 वॉट लिखा रहता है ऐसे, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदते हो। तो एक बल्ब का एग्जांपल दिया, ठीक। अब यहां पर ये जो पावर है इसको हम लोग रेटेड पावर कहते हैं, ध्यान दो, ये रेटेड पावर कहलाता है। और ये जो वोल्टेज प्रोवाइड होता है ये रेटेड वोल्टेज होता है। इस चीज को दिमाग में बिठा लोगे, इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो कि दो इलेक्ट्रिकल बल्ब को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो हम लोग जानते हैं कि सीरीज में पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यह नहीं समझना है कि पहले वाले बल्ब का V1 अलग और V2 अलग, रेटेड वोल्टेज दोनों का सेम रहेगा, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन बाय द सोर्स ऑफ EMF होगा, लेकिन रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज पर इफेक्ट नहीं होगा, वो रेटेड है जो ऑलरेडी उस अप्लायंस के साथ होता है, ठीक। इस चीज को दिमाग में रखना, इसलिए हमने ये टर्म यहां पर यूज कर लिया, रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज, ठीक है। अब जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसके रेजिस्टेंस ऑलरेडी इस फॉर्म में आएगा, तो पावर को भी क्या पड़ा, P = V² VI V² / R और I² R। तो पावर का फॉर्म क्या बन गया, बोलो, रेटेड। यदि हम सिंपल P लिख रहे हैं और इसको रेटेड लिख दे तो V² / R, तो रेटेड वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। तो हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो सोर्स ऑफ EMF से नहीं मतलब है, रेटेड वोल्टेज से मतलब है।
यदि किसी इलेक्ट्रिकल बल्ब का हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो बल्ब का रेटेड वोल्टेज कितना है जो सप्लाई है 220, और उसका यदि मान लो 60 वाट पावर है तो 60 से डिवाइड होगा। यह रेजिस्टेंस उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का फिक्स हो जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट टर्म आ जाइए। अब जो पावर कंजम्पशन होता है, तो पावर कंजम्पशन जितने भी अप्लायंसेस हैं तो हम लोग रेटेड पावर को पीआर आर सब्सक्रिप्ट है। अब यहां पर कहता है कि जो भी कंज्यूम्ड होता पावर यदि अप्लाइड वोल्टेज रेटेड वोल्टेज के बराबर है, तब तो जो पावर कंजम्पशन है और रेटेड पावर इक्वल हो जाएगा। 220 वोल्ट रेटेड वोल्टेज और सप्लाई भी 220, तो पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू रेटेड पावर। समझ में आ गया? यही फर्स्ट लाइन। अब अप्लाइड वोल्टेज 220 की जगह पर मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने 200 वोल्ट सप्लाई कर दिया, 220 की जगह अप्लाइड वोल्टेज लेस देन द रेटेड वोल्टेज, तब उस कंडीशन में देखो क्या आ जाएगा, पावर कंजम्पशन रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। 180 सप्लाई हो गया तो 220 स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस, रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस, वो क्या बन जाएगा, पावर कंजम्पशन। समझ में आ गया? यस नो? इक्वल हुआ तो पावर कंजम्पशन इज इक्वल टू रेटेड पावर। 60 वाट का बल्ब है, 220 से सप्लाई दे दिया और 220 उसका रेटेड पावर है, वोल्टेज है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, पावर कंजम्पशन 60 वाट बल्ब है जितना उतना ही रहेगा। अब 180 की मतलब 220 की जगह 180 सप्लाई हो गया तो क्या बन जाएगा, 220 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? अब आ जाए लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन हो रहा है लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे मान लो कि जहां पर हमारा पावर ग्रिड है वहां से सप्लाई हो रहा है, तो पावर लॉस जब भी लिखते हम लोग आई स्क्वायर आर के फॉर्म में, ठीक, और पावर लॉस आई स्क्वायर आर है तो आई का वैल्यू पी बाई वी, इसका मतलब पी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इन टू आर, इस फॉर्म में पावर लॉस को लिखेंगे, ठीक। तो पावर लॉस का मतलब क्या हो गया, इनवर्स रिलेटेड टू वी स्क्वायर, जितना ज्यादा वोल्टेज का सप्लाई होगा उतना ही पावर का लॉस कम होगा। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में देखते हैं, आपने सुना होगा कि 11 केवी का लाइन आ रहा है, मोर देन 220, मतलब आपके यहां जो सप्लाई आ रहा है 220 से ज्यादा ही होगा हर हालत में। नेक्स्ट आ जाए इलेक्ट्रिकल फ्यूज। जो फ्यूज हम लोग यूज करते हैं वो फ्यूज क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को प्रोटेक्ट करता है, ठीक। इसका हाई रेसिस्टिविटी होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इस कंडीशन में क्या है कि ये जित अलॉयज है टीन और लेड, यही दो मेन अलॉयज से बनता है, टीन का कंट्रीब्यूशन 63%, लेड का 37%, ये हमेशा लाइव वायर के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा, कभी भी पैरेलल कनेक्ट नहीं होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा। रेसिस्टिविटी हाई है, लो मेल्टिंग पॉइंट, जैसे ही करंट का ज्यादा फ्लो हो गया उस कंडीशन में अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा डेवलप करेगा तो इमीडिएट वो मेल्ट कर जाएगा और ब्रेक कर देगा सर्किट को, तो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को वो सेफ कर लेता है, ठीक है। अब कमर्शियल यूनिट हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कैसे हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, बहुत बेसिक चीज है। हम लोग जितना भी पावर कंज्यूम करते हैं वो वाटेज है,
जितने घंटे चलाते हैं उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, वो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, वाट इनटू आवर हो गया, उसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, और 1 kWh इज इक्वल टू 1 unit. बेसिक है बिल्कुल. तो जो नंबर ऑफ यूनिट कंजम्पशन होता है वो नंबर ऑफ किलो वाट आवर, और ये कैलकुलेट होता वाट आवर बाई 1000. ठीक, ये हमने एक एक्सप्रेशन बताया. दूसरा है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन हीटर यूज होते हैं, उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ठीक, इट कैन बी इजिली ड्रॉन इन टू वास, इट इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड व्हेन हीटेड इन एयर. और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह निकेल और क्रोमियम का बना रहता है. आप कभी देखोगे, हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन को यूज करते रहते हैं, तो बहुत दिन तक यूज करने के बाद नीचे का जो सिल्वर कोटिंग है वो फील होता है कि ब्लैकिश हो गया. जब उसका हीटिंग इफेक्ट कम हो जाता है तो उसके अंदर एक लेयर होता है, व्हाइट लेयर, उसी लेयर को बदला जाता है, वही निकेल और क्रोमियम का होता है. रीजन वही है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है. ये सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जानना चाहिए. ठीक, अब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ये तो हमने आपको बता दिया कि ये बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट सिंपल यूनिट 1 kWh. ये अब एक कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं सिंपल. हम लोग के यहां इतने अप्लायंसेस हैं, सिंपल कैलकुलेट कर, जैसे एकदम क्विक कैलकुलेशन हो जाएगा. हमारे घर में 60 W का 5 bulb है, 10 घंटे हम डेली चला रहे हैं, फैन हमारे पास है 5, 80 W का 1, इतने वाटेज 10 हो गया. इमीडिएट कोई मोबाइल यूज कर लो कैलकुलेटर, फ्रीज 250 W का, 10 घंटे चला रहे मल्टीप्लाई कर देंगे. एसी 1500 W का 10, इन सारे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो जल्दी से क्विक, किसी के पास मोबाइल है तो इमीडिएट पता चल जाएगा हमारा बिल कंजम्पशन कितना है. इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई, ये हो गया 300 और ये 10, 3000 हो गए, ये हो गया 400, 4000, ये आ गया 2500, ये 15000, सबको जोड़ दो, ये पर इसका कंजम्पशन हुआ, ये वॉट इनटू आवर हुआ. इसको 1000 से डिवाइड कर दें, कितने आ गए, 24.5 kWh. इट बिकम्स 24.5 unit. और पर यूनिट जो भी आपका टैरिफ फिक्स है उसको मल्टीप्लाई कर दो, इतना ही बिल का कंजम्पशन आता है. अब अभी हम लोग बड़ा एक दूसरे से, सब लोग कह रहे कि भाई पुराना मीटर अच्छा था, नया मीटर खराब है, ये वो. आप यदि यूज करना तरीके से जान जाए तो आपका कंजम्पशन पहले ही इतना है. प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कनेक्शन लेते हैं और अपना लोड बताते हैं
1 किलोवाट आवर और यूज करते हैं 2000 वाट, तो पेनाल्टी कौन देगा? आपके बिलिंग में आएगा। एक फ्रीज ऑन है और समरसेबल सबके यहां लगा है, मोटर ऑन कर दो, 1 किलोवाट आवर का लोड है, कितना हो गया 1500 मोटर का और 250 फ्रीज का, तो 750 वाट का पेनल्टी दे दो, तो बिल में जोड़ के आ जाएगा अपने आप। अब लोग कहते हैं बड़ा गलत है, ये हमारा कमर्शियल है, एकदम तुम लोगों को एक प्रूफ दिखाते हैं। कमर्शियल का मतलब हो गया कि 1 किलोवाट का वाट, 1 किलोवाट पे 10 रुपीज पर डे लगना है। हम 3 किलोवाट का कनेक्शन लिए, ठीक, 30 रुपीज मेरा पर डे कटेगा हर हालत में, कुछ भी कर ले, ठीक। अब हमारा पावर कंजम्पशन क्या होता, ये ऑलरेडी हमारा ये जो पैनल है 600 वाट का, ट्यूबलाइट देखो कितने जल रहे हैं, अभी आपको प्रूफ दिखाते। 40 वाट का एक है, 40 वाट का एक है, ये सिस्टम ये सारा चीज सब मिला के 300 वाट का है, कितना हो गए अप्रोक्सीमेटली, क्विक जल्दी बताओ। है 600 ये हमने बताया और ये 14 × 8 320 मोर देन 1 किलोवाट, ठीक, वो भी फैन चलेगा, ट्यूब चलेगा, उस रूम में भी 2 पंखे चलेंगे, अप्रोक्सीमेटली 1500 होगा। कितना आना चाहिए? इतना ही आपके घर में भी यूज होता होगा, कितना आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली देख लो। कल सेंटर पे छुट्टी थी, कितना का बिल है 8.93, ठीक, वो आके वॉश करके गया होगा, एक आध यूनिट जलाया होगा, उसके पहले 1 जुलाई को ओनली 15 रुपीज, वो 30 तो मेरा लग रहा है, वो फिक्स चार्ज है ऊपर वाला, ऊपर नीचे वाला 29.03 फिक्स चार्जेस। फिर देखो सेंटर बंद 4.5 और 30 रुपीज पर डे का, कहां एरर है? कोई एरर है? कमर्शियल है, ये कमर्शियल बिल्डिंग, कमर्शियल का चार्ज लग रहा है, ठीक। आपको दिखाते हैं, ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए, आप नहीं जानेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी ये पढ़ रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, तब पर भी आपको दिक्कत हो रही है। अब ये देखो मेरे रेसिडेंस का, ठीक, यूजर्स देखिए, 2 फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे 4 रूम, ऊपर भी 4, 8, ठीक, 1900 स्क्वायर फीट में बना हुआ है प्लेस, ठीक, बाकी ओपन स्पेस है। मेरा पर डे का कंजम्पशन देखिए, ऊपर नीचे सब कूलर भी चलता है, और मेंबर्स 6 to 7 पर डे, देख लीजिए आपके साथ यूज करने का तरीका, कभी कभी बहुत ज्यादा आता है, तो मैक्सिमम कितना आएगा, मैक्सिमम 56-52 है, वही तो हमने कहा आपको, वही आपको हमने कहा कि यूज करने का मेथड, जब आपका फ्रीज ऑन है तो समरसेबल मोटर ऑफ होना चाहिए, एक साथ कभी भी 1 किलोवाट आवर से वाट से ज्यादा आप पावर कंज्यूम ना करें, लेस देन 1 किलोवाट फ्रीज ऑफ कीजिए, मोटर चलाइए, मोटर ऑफ कीजिए गीजर चलाइए, फ्रीज ऑफ मिक्सर चलाइए, सब एक साथ नहीं,
यही तरीका। चलिए ये चीज सीख लिया हम लोगों ने, अब आ जाए नेक्स्ट। ठीक, अब इफेक्टिव पावर, अब ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अब तीन इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, पावर सबका अलग अलग P1 P2 P3, ये पावर कौन सा है? रेटेड पावर। अब V कौन सा है? रेटेड वोल्टेज। और ये सप्लाई, इसलिए सप्लाई वाले का कलर बदल दिया। ठीक, अब इफेक्टिव पावर निकालना है सीरीज में। सीरीज में क्या होता? रेजिस्टेंस का वैल्यू, अल्जेब्रिक सम, उसी को यूज कर लें। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या है? R1 + R2 + R3। ठीक, पावर को हम लोगों ने क्या लिखा, किस फॉर्म में? V² / R। तो R को लिख देंगे V² / P। इसका मतलब ये V² / पावर इन सीरीज, V² / पावर P1, V² / पावर P2, V² / पावर P3। V² दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया, तो फाइनली पावर इन सीरीज 1/P1 + 1/P2 + 1/P3। इसलिए रेसिप्रोकल सम हो जाएगा इफेक्टिव पावर। तो जब भी इलेक्ट्रिकल बल्ब का क्वेश्चन रहेगा कि सीरीज में कनेक्टेड है तो इफेक्टिव पावर बताइए, तो यही फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे। आ गया समझ में? क्लियरली 100%। चलो, तो ये हमारा सीरीज का फॉर्म हो गया। अब इसी तरह से पैरेलल में आ जाए, तो पैरेलल में तीन इलेक्ट्रिकल बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड है, सबका रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज है और सप्लाई वोल्टेज का कलर अलग है। क्या फॉर्मूला यूज हो जाएगा पैरेलल में? गुड, 1/RP = 1/R1 / 1/R2 + 1/R3। क्या फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, जल्दी से बता दो। V² / P। तो 1/R क्या बन जाएगा, या सिंप, हाँ जल्दी से बता दो, या सिंपली ऐसे लिख दो, सबसे अच्छा, एक मिनट, सबसे अच्छा इस फॉर्म में कर दो, P = V² / R। ठीक, तो ये सबको फोर्स जो V है ये सबके क्रॉस सेम होगा, तो V² / R1 / V² / R2 + V² / R3। ये P1 हो गया, मतलब P पैरेलल, और ये P1, ये P2 + P3। इसका मतलब पैरेलल में पावर का अलजेब्रिक सम हो जाएगा। आगे समझ में? क्लियर, बहुत इजी चैप्टर है, कल इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम करेंगे।